मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। अब तुरंत आपके मन में प्रश्न है, कब तक, कितनी देर तक पानी ना पिए? तो बागवत जी ने इससे ये दूसरा सूत्र दिया कि हम जो भोजन करते हैं इसके पचने के तीन चरण है। सारा भोजन पहले लिक्विड और सॉलिड एक दूसरे में मिक्स होता है। जो पतला खाया लिक्विड, जो ठोस खाया एक दूसरे में मिक्स होता है और वो पेस्ट जैसा होता है। पेस्ट इसको होने में एक से डेढ़ घंटा लगता है। स्वस्थ व्यक्ति है तो एक घंटे में हो जाएगा, थोड़ा बीमार है तो डेढ़ घंटे, ज्यादा बीमारी की स्थिति में दो घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन नॉर्मली एक से डेढ़ घंटा। तो एक से डेढ़ घंटे में वो सारा खाना एक दूसरे में मिक्स होकर पेस्ट, फिर इस पेस्ट में से रस बनना शुरू होता है। माने एक से डेढ़ घंटे के बाद आपने जो खाया हो भोजन वो रस में बदलेगा। जब रस में बदलता है भोजन तब पानी की जरूरत पड़ती है। आप जानते हैं कोई भी रस बनाने में पानी लगता है। मैं आपसे कहूं आम का रस बनाओ तो आम का गूदा आप निकालेंगे पल, फिर उसमें पानी मिलाएंगे तो रस तैयार होगा। कोई भी रस पेट में भी तैयार होगा तो पानी की जरूरत पड़े। तो जब पानी की जरूरत पड़े तब पानी पिए। मतलब सीधा सा ये है कि खाना खाने के एक से डेढ़ घंटे के बाद ही पानी पिए। तो पहला सूत्र हो गया खाना खाते तुरंत पानी नहीं पिए। दूसरा सूत्र हो गया खाना खाने के लगभग एक से डेढ़ घंटे के बाद ही पानी पिए।